हमने देखा है कि बच्चे गणित में अपनी नोटबुक्स में भी और एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन इस प्रकार से हल करते हैं कि 7x प्लस 3y बराबर 10xy, जो कि गलत है। ऐसा बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। आज इस एक्टिविटी में हम यही देखेंगे कि समान और असमान पदों में क्या अंतर है। हमारे पास यहाँ एक गेम है, इसमें मेरे पास एक बड़े कटोरे में बहुत सारी पर्चियाँ हैं जिन पर कोई ना कोई चर लिखी हुई है, और बच्चे ने करना ये है कि एक पद उठाना है, यदि उसके साथ का कोई और भी समान पद है तो यह उस कटोरी में डाल देंगे, यदि इसके साथ का कोई और समान पद नहीं है तो इसे एक नई कटोरी में डाल देंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले आया ए स्क्वायर, अभी किसी भी कटोरी में ए स्क्वायर नहीं है तो एक नई कटोरी में ए स्क्वायर डाल दिया। 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी अभी किसी कटोरी में नहीं है तो एक नई कटोरी में डाल दिया। ए क्यूब, ये भी कहीं और अभी नहीं है तो एक नई कटोरी में। 2 सी ए, ये भी कहीं और नहीं है तो एक नई कटोरी में। 3 एक्स वाई स्क्वायर, एक नई कटोरी में। 3 a³, हमारे पास पहले से एक कटोरी में a³ है तो इस स्लिप को भी हम उसी कटोरी में डाल देंगे। -17xy², यहाँ हमारे पास पहले से इस कटोरी में 3xy² यानी xy² वाला एक पद है, यह भी समान पद है, हम इसे भी इसी कटोरी में डाल देंगे। इस प्रकार से बहुत सारी पर्चियों की मदद से अलग अलग बच्चे यहाँ आकर हर एक पर्ची को उठाकर उसे उसके पद के अनुसार इन कटोरियों में रखेंगे, और इस प्रकार हम बच्चों को समान और असमान पदों का अभ्यास करा सकते हैं।